और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। तो आजसू पार्टी के नेता भारत काशी ने चुनाव तैयारी को लेकर राजनीतिक गतिविधियों पर रफ्तार मीडिया के संवाददाता शंकर ठाकुर से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देख रहे रफ्तार मीडिया, हमारे साथ आजसू पार्टी के गदेवार नेता भरत काशी जी है और हटिया विधानसभा से लगातार समाज सेवा और दावेदारी के रूप में काम कर रहे हैं। इनसे आज की मौजूदा राजनीतिक क्या स्थिति है उसके बारे में जानकारी। सबसे पहले रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत। सबसे पहले आपका चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न ये है, जिस तरीके से मौजूदा झारखंड की राजनीति देखी जा रही है, चुनाव बहुत नज़दीक है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अभी तो जिस हिसाब से अभी राजनीतिक जो प्रक्रिया है ये काफ़ी अभी ज़ोरदार से चल रहा है। अभी गठबंधन को लेके, महागठबंधन इंडिया को लेके, गठबंधन को लेके, दोनों के बीच में काफ़ी चर्चाएं अभी तो काफ़ी दिनों से चल रही है और लगातार अभी चलते आई हैं। आजसू पार्टी युवाओं की पार्टी कही जाती है और विधानसभा की जो चुनाव है काफ़ी नज़दीक है, कैसे तैयारी कर रहे हैं अब अपने क्षेत्र में? ये बेशक है कि हम लोग का आजसू युवाओं की पार्टी है और जिस हिसाब से अभी हम लोग का माननीय सुदेश कुमार महतो जी का अभी सोच और दिशा निर्देश, अभी जिस प्रकार से अभी आगामी 8 तारीख को अभी प्रभात तारा में 1 लाख लोगों का, युवाओं का, जिसको मान लीजिए कि नौकरी नहीं ले पाया या मिल नहीं पाया है और इसमें है जो बीए का पढ़ाई कर लिया हो, एमए का पढ़ाई कर लिया हो या पीजी भी, बहुत से डिग्रियां भी हासिल कर लिया है लेकिन झारखंड राज्य में उसको नौकरी नहीं मिल पाया है, तो वैसे स्थिति में माननीय सुदेश कुमार महतो जी का एक प्रयास रहा है कि आगामी 8 तारीख को हम लोग पूरा झारखंड प्रदेश पर एक प्रभात तारा में हम लोग 1 लाख का संख्या में हम लोग उसको जुटान करने का भी काम कर रहे हैं ताकि बेरोजगारी कितने हैं वो हम लोग झारखंड सरकार हेमंत सोरेन को हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। महिला योजना जिस तरीके से गठबंधन में या झारखंड के सीएम जो है हेमंत सोरेन ने लाया, मास्टर स्ट्रोक का काम कर रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं इस योजना को? देखिए एक प्रकार से तो मुझे लगता है कि खासकर महिला योजना जो चल रही है ये एक पब्लिक को भ्रमित करने का एक मतलब काम कर रही है, क्योंकि ये अगर महिला योजना अगर चलता पहले अगर चाहता जैसे भी सरकार आई थी तो 5 साल के बाद तुरंत ये योजना चालू होना था, लेकिन कहीं न कहीं ये राजनीति को देखते हुए और ये वोट की राजनीति के चलते ये माइंड को डाइवर्ट करने का एक माध्यम है और इसमें है कि सोचिए अगर ये चालू महिला योजना अगर चाहता तो साल भर पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले भी हो सकता था, लेकिन चुनावी दौरा में क्यों हो ऐसा हो रहा है? चुनाव जब नज़दीक है, एक मानते हैं कि ये चुनावी स्टंट है। हाँ, ये तो मानते हैं कि चुनावी स्टंट है और चुनाव में ये लोगों को एक लोभ और लोभ के चलते ये सब किया जा रहा है। एक उत्पाद विभाग में जिस तरीके से पुलिस बहाली हो रही थी और 12 लोग के नौनिहालों की झारखंड की मृत्यु हो जाती है, इसको कैसे देख रहे हैं? एक चीज़ तो खैर सबसे पहले बात है कि ये तो मानते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब प्रशासनिक या किसी प्रकार से व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण सब हुआ है और क्षति तो हुआ है किसी का जगह, तो मान लीजिए कि जो मृत्यु हो गई है वो चीज़ को तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन सरकार को, खासकर प्रशासन को, पदाधिकारी को एक ये बनाना चाहिए, कुछ अलग से एक व्यवस्था होना चाहिए ताकि जो ये जो घटनाएं हो रही है घटना न होना चाहिए। बिल्कुल, अभी आप देख रहे थे आजसू पार्टी के गद्देवार नेता भरत काशी जी हैं और झारखंड की मौजूदा राजनीति के बारे में वो तमाम बातें हमसे की जो जनता के बीच में लाने के प्रयास किया। अपने सहयोगी दीपक के साथ शंकर ठाकुर, रफ्तार मीडिया के लिए।